आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों आप सभी को पता है ये टाइम पे जो है जिनके पास राशन कार्ड है उनको फ्री में राशन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका क्या, ठीक है। तो उनको राशन कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपको वीडियो जो है पूरा ज़रूर देखना है तो ही आपको समझेगा। अगर आपने थोड़ा भी स्किप किया तो आपको दोस्तों नहीं समझेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये जो लिंक है मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पे इस लिंक को क्लिक करके इस साइट पे आ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कैसा है, यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है न्यू यूज़र का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, आपको राशन चाहिए तो, ठीक है। तो ये जो न्यू यूज़र है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर दोस्तों क्लिक कर लोगे ना तो फिर ये नेक्स्ट साइट खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया रहेगा, सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक है आधार कार्ड, दूसरा है वोटर आई डी। तो आपको दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट कर लेना है सिलेक्ट। फिर आपको डॉक्यूमेंट का जो नंबर होगा आधार नंबर या वोटर आईडी नंबर आपको एंटर कर देना है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे एंटर करना है ये कैप्चा, ठीक है। आप ये कैप्चा कोड एंटर कर लोगे, फिर आपको लॉगिन कर लोगे दोस्तों, फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। ये फॉर्म एक जो है ओपन हो जाएगा, आपको ये फॉर्म भर लेना है फ्रेंड्स। कैसे पता है ये फॉर्म इसलिए रखा है क्योंकि जिनके पास राशन कार्ड है, जिन्होंने राशन लिया है तो दोबारा राशन आके डबल डबल सब ना ले, अगर सब ऐसा करेंगे तो सबको राशन जो है नहीं मिल पाएगा फ्री में, ठीक है। तो इस वजह से ये फॉर्म जो है रखा गया है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है सिर्फ उनके लिए ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि मैंने मेरा आधार कार्ड नंबर जो था मैंने यहाँ पे एंटर किया था, उस पीछे का लास्ट का 4 डिजिट नंबर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी नाम रहेगा आधार कार्ड पे वो नाम यहाँ पे एंटर करना है। फिर ये मेल है या फीमेल है वो एंटर करना है। फिर फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, स्पाउस नेम है तो एंटर कर दीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है वो एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लोकेलिटी क्या है, ठीक है, आपका मतलब घर का एड्रेस ही आपको यहाँ पे एंटर करना है जहाँ पे आप अभी रह रहे हो। फिर दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि दिल्ली में हो कि कहीं और पे हो, तो आप दिल्ली से हो तो आपको दिल्ली का एड्रेस डालना है, दिल्ली करना है सिलेक्ट। फिर रेजिडेंशियल लोकेलिटी, ठीक है, आपका एरिया कौन सा है, ठीक है, सब डिविजन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, ठीक है। आप ऊपर का घर करोगे सिलेक्ट तो अपने सब नीचे आ भी जाएगा वैसे भी। तो फिर दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि परमानेंट एड्रेस सेम है कि कुछ और है, जो आपने ऊपर एंटर किया वही आपका परमानेंट एड्रेस है कि कुछ और है। अगर हाँ है तो ठीक है, ना है तो नो पे कीजिए क्लिक, फिर आपको दोबारा एंटर करना होगा जो परमानेंट एड्रेस रहेगा, या तो फिर यस कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया ईमेल आईडी पूछ रहा है, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। फिर आपको वापस से जो है कैप्चा कोड एंटर कर देना है और कंटिन्यू क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। दोस्तों ये जो फॉर्म होता है बेसिकली ये सिर्फ राशन कार्ड के लिए होता है, लेकिन आपको राशन कार्ड मिले या ना मिले, लेकिन आपको राशन जो है ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों ये जो फॉर्म है सिर्फ दिल्ली के लिए है, ठीक है, दिल्ली में अभी ये चल रहा है। तो अगर आप दिल्ली से हो तो दोस्तों ये फॉर्म काफ़ी काम का है। और फ्रेंड्स इस वीडियो के बाद मैं और वीडियो बनाऊंगा जो कि बाकी स्टेट के लिए होगा। तो अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे जो भी सुविधा दी जा रही है लॉकडाउन के दौरान, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।